आइए गाइस आज के इस वीडियो में देखते हैं किस तरह से हम GTA San Andreas में ऐड कर सकते हैं साइबर्ग मोड को। दोस्तों अगर आप इंस्टॉल करना चाहते हैं GTA San Andreas में साइबर्ग मोड को तो आपने इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक लाजमी देखना है। सारे स्टेप्स को आपने फॉलो करना है, वीडियो को आपने स्किप नहीं करना वरना आपका मोड इंस्टॉल नहीं होगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दिया करें ताकि आपको हर आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों गेम प्ले में आप देख सकते हैं काफी जबरदस्त किस्म का मोड है, काफी सारे फीचर्स आपको मिले वाले हैं साइबर्ग मोड में। दोस्तों किस तरह से डाउनलोड करेंगे, किस तरह से इंस्टॉल करेंगे, कैसे यूज करेंगे, चलते हैं पीसी की स्क्रीन पर एक छोटा सा इंट्रो देखने के बाद। तो हमेशा की तरह मोड का लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, जैसे उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आपने थोड़ा सा नीचे आ जाना है एंड यहाँ पर दोस्तों आपको दो डाउनलोड बटन मिल जाते हैं, किसी भी बटन पर क्लिक करके आप इजिली डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों एक लिंक आपको मिलेगा मीडियाफायर का, दूसरा लिंक आपको मिलेगा गूगल ड्राइव का, किसी भी लिंक पर क्लिक करके आप इजिली डाउनलोड कर सकते हैं। सो मैंने ऑलरेडी इस मोड को डाउनलोड किया हुआ है, मैं आपको इंस्टॉल करके दिखाता हूँ। सो दोस्तों डाउनलोड करने के बाद कुछ इस तरह की फाइल आपको मिल जाएगी, सिंपली आपने इस फाइल के ऊपर राइट क्लिक करना है एंड यहाँ पर दोस्तों आपने एक्सट्रैक्ट हेयर पर क्लिक देना है। दोस्तों कुछ ही देर में आपका मोड एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, सिंपली आपको कुछ इस तरह का फोल्डर मिल जाएगा, आपने इस फोल्डर के अंदर चले जाना है और इन सारी फाइल्स को आपने सिलेक्ट करके राइट क्लिक करना है एंड यहाँ पर दोस्तों आपने इन सारी फाइल्स को कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने GTA San Andreas के फोल्डर में जाकर इन्हें पेस्ट कर देना है जहां पर भी आपने GTA San Andreas को इंस्टॉल किया हुआ है। अगर दोस्तों आपके पास कुछ इस तरह का GTA San Andreas का डेस्कटॉप पर आइकन मौजूद है तो सिंपली आपने इसके आइकन पर राइट क्लिक करना है और यहाँ पर दोस्तों आपने ओपन फाइल लोकेशन पर क्लिक कर देना है और आप GTA San Andreas के फोल्डर में चले जाएंगे। अगर दोस्तों आपके पास डेस्कटॉप पर GTA San Andreas का शॉर्टकट या आइकन मौजूद नहीं है तो जैसे आप GTA San Andreas को ओपन करने के लिए उसके फोल्डर में जाते हैं वहां पर जाकर आपने इन सारी फाइल्स को पेस्ट कर देना है। अगर दोस्तों आपके पास कुछ इस तरह से रिप्लेस का ऑप्शन आए तो आपने रिप्लेस भी कर देना है। अब यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि GTA San Andreas में साइबर्ग मोड इंस्टॉल हो चुका है। अब दोस्तों किस तरह से आप इसे यूज कर सकते हैं इसका गेम प्ले में GTA San Andreas को ओपन करके आपको दिखाता हूँ। तो मैं GTA San Andreas को ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि मेरे पास GTA San Andreas ओपन हो चुका है एंड यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं साइबर्ग मोड भी GTA San Andreas के अंदर इंस्टॉल हो चुका है। अब दोस्तों किस तरह से आप साइबर्ग मोड को यूज कर सकते हैं, क्या क्या इसके कंट्रोल होंगे। दोस्तों सबसे पहले तो आपने साइबर्ग मोड को एक्टिव करने के लिए कीबोर्ड के ऊपर टाइप करना है साइबर्ग, स्क्रीन पर भी आपको शो हो रहा होगा। सो मैं जल्दी से साइबर्ग टाइप कर देता हूँ कीबोर्ड के ऊपर। दोस्तों जैसे ही आप कीबोर्ड के ऊपर साइबर्ग टाइप करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से साइबर्ग मोड एक्टिव हो जाएगा, यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों किस तरह से आप इसकी पावर को यूज कर सकते हैं, दोस्तों जैसे ही आप माउस के ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से इसके पास रॉकेट लॉन्चर आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों किस तरह से आप इसे यूज करेंगे उसके लिए दोस्तों आपने आर के बटन को प्रेस करना है तो कुछ इस तरह से ब्लास्ट होगा। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं जैसे ही आप माउस के ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से रॉकेट लॉन्चर आ जाएगा, जैसे ही आप आर के बटन को प्रेस करेंगे तो कुछ इस तरह से ब्लास्ट होगा, यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों जैसे ही आप 8 के बटन को प्रेस करेंगे तो कुछ इस तरह से नाइट मोड ओपन होगा, यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं। जैसे ही आप 7 के बटन को प्रेस करेंगे तो कुछ इस तरह से खत्म हो जाएगा, यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों जैसे ही आप किसी भी गाड़ी के पास जाकर 3 के बटन को प्रेस करते हैं कीबोर्ड के ऊपर तो कुछ इस तरह से वो गाड़ी में जाकर बैठ जाएगा, यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं। दोस्तों गाड़ी में बैठने के बाद जैसे ही आप के बटन को प्रेस करेंगे तो कुछ इस तरह से कार के ऊपर, यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कार के ऊपर वेपन लग जाएंगे, यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं। जैसे ही आप जी के बटन को प्रेस करेंगे तो कुछ इस तरह से कार के ऊपर जो है वो वेपन एक्टिव हो जाएगा, यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं जैसे ही आप जी के बटन को प्रेस करते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जैसे ही आप कार में बैठने के बाद टी के बटन को प्रेस करते हैं तो कुछ इस तरह से आपको काफी जो है वो स्पीड मिलेगी, यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं। जैसे आप टी के बटन को प्रेस करेंगे तो कुछ इस तरह से जो है वो आपको काफी तेज स्पीड मिलेगी, यहाँ पर दोस्तों आप गेम प्ले में देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों जैसे आप टी के बटन को प्रेस करेंगे तो कुछ इस तरह से ये जो है वो उड़ने लगेगा, जैसे आप डब्ल्यू को प्रेस करेंगे तो कुछ इस तरह से आगे जाने लगेगा, यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं। और साथ आप माउस के साथ इसे ऊपर नीचे ले जा सकते हैं, यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं माउस के साथ आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों किस तरह से आप इसकी स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं उसके लिए दोस्तों आपने W और स्पेस के बटन को प्रेस करना है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से इसकी स्पीड जो है वो काफी तेज हो जाएगी, यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं जैसे आप W और स्पेस के बटन को प्रेस करेंगे। उसके बाद दोस्तों जैसे आप माउस के ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से इसके पास मशीन गन आ जाएगी, यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं। लेफ्ट क्लिक करके आप जो है उसे चला सकते हैं, यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो और ये मोड आपको पसंद आया होगा। अगर दोस्तों आपको इसी तरह के मोड चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मैं डेली इस चैनल के ऊपर मोड से रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।